फ्रेंड्स बोर्ड पर देखिए ओपोनेंट के बेस लाइन के आसपास जो तीन कॉइन्स दिख रही है उसके एकदम पीछे जो ब्लैक कॉइन है उसे हमें हुक शॉट की मदद से पॉकेट करना है। और वो हुक शॉट खेलते वक्त मैं एक टेक्निक मन ही मन में अप्लाई करने वाला हूँ और उसी टेक्निक की मदद से मैं उसे पॉकेट करने वाला हूँ और वही टेक्निक मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस ब्लैक कॉइन को मुझे हुक शॉट की मदद से पॉकेट करना है, तो पहले इसे पॉकेट कर लेते फिर देखते हैं इसके पीछे टेक्निक क्या है, वही टेक्निक आज आप लोगों को सिखाने वाला हो। तो चलिए देखते हैं। इसे कहते हैं हुक शॉट। तो फ्रेंड्स इस तरह की पोजीशन में हमें हुक शॉट की मदद से पॉकेट करना होता है। तो देखिए हुक शॉट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है क्योंकि मैच में टूर्नामेंट में काफ़ी सारे कॉइन्स हमें हुक शॉट की मदद से पॉकेट करना होता है और काफ़ी सारे प्लेयर्स ये हुक शॉट अंदाजे के साथ ही खेलते हैं क्योंकि उसे खेलते खेलते उन्हें खेलते खेलते ये अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ स्ट्राइकर मारने से ये कॉइन्स पॉकेट होती है। तो देखिए फ्रेम में मार के इसे पॉकेट करना होता है, तो स्ट्राइकर कहाँ पे रखना है, कौन सी पोजीशन में स्ट्राइकर रखने से ये हुक सही तरीके से होता है और फ्रेम में कहाँ पर स्ट्राइकर मारना होता है, इसका जो प्रॉपर टेक्निक है वो किसी ने अब तक दिखाया नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप ये हुक शॉट की जो परफेक्शन है उसके बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस टेक्निक को आज सीखने वाले हैं हम और इसे सही तरीके से सीखेंगे, तो वीडियो में जुड़ी रहिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है दोस्तों। अब अगर आप इस तरह से हुक शॉट की प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। देखिए तो दोस्तों अगर ये वाइट कॉइन हमें हुक शॉट की मदद से पॉकेट करना है तो इसके पीछे क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो उसी टेक्निक के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो देखिए इस कॉइन के एकदम ये जो देखिए इस फ्रेम से नहीं, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से ये कॉइन्स की जो दूरी और ये सीधा पॉइंट पे देखिए, अब यहाँ से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो अंदाज़ा लगाइए और उसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे आप उस पॉइंट पे हमें स्ट्राइकर रखना है। देखिए यहाँ पे और ये जो पॉइंट है यहाँ से पॉकेट तक इमेजिन कीजिए और उसी लाइन एकदम फ्रेम में कहाँ पर वो लाइन टच कर रहा है वो इमेजिन कीजिए, एकदम यहाँ पे वो लाइन टच कर रहा है तो उसी पॉइंट पे हमें स्ट्राइकर मारना है और ये कॉइन पॉकेट हो जाएगी। देखिए देखा, तो इस तरह से यही टेक्निक से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और यही टेक्निक स्लो मोशन में देखिए, देखा कहाँ पर स्ट्राइकर लग रहा है। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से आप अगर हुक शॉट खेलने की सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हुक शॉट के पॉकेटिंग की जो परफेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो देखिए इस तरह के टेक्निक को अप्लाई करके आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि मैच में अगर इस तरह के शॉट खेलना है तो अच्छी तरह से खेलना है। तो देखिए कुछ शॉट्स परफेक्शन देखिए, तो देखिए इस तरह से खेलना है और प्रैक्टिस भी करना है। तो देखिए और कुछ शॉट्स दिखाते हैं, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों के यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।